हेलो व्यूअर्स, मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और अपनी रेसिपी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी। तो मैं बताती हूँ, अगर आपको मसालेदार क्रिस्पी भिंडी खानी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको सिंपल तरीके से भिंडी काट लेनी होगी और उसमें लगाना होगा बेसन का तड़का। मैं बताती हूँ आपको किस तरह से बनाते हैं, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये व्यूअर्स, मैंने भिंडी काट ली है। ये भिंडी को हमने अच्छे से धो के ले लिया है और बीच से इसको काट लेना है। भिंडी को हमने इस तरीके से ही काटना है ताकि जो हमारे फिर मसाले होंगे वो अच्छे से भिंडी के साथ चिपक जाए। तो चलिए व्यूअर्स, मैं बताती हूँ कि हमने क्या करना है इसके बाद। और इस तरफ मैंने अपना तड़के का मसाला भी रेडी कर दिया है। ये मेरा प्याज है, ये लहसुन और मिर्च की मैंने इनको कूट के ले लिया है अच्छे से। तो चलिए मैं बताती हूँ इसके बाद, इससे बाद हमें क्या करना है। व्यूअर्स, मैंने एक पैन ले लिया है, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें अपना बेसन डालेंगे भूनने के लिए। तो पैन हो गया है गर्म और इसमें डाल दूँगी मैं हमारी भिंडी के हिसाब से बेसन। इसमें डाल रही हूँ मैं 3 टेबलस्पून बेसन और इसको अच्छे से भून लेंगे बेसन को। ये बेसन को अच्छे से चला लेंगे और जब ये हमारा बेसन जो है अच्छे से पक जाएगा तो उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है। तो इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारी भिंडी में जो बेसन का कच्चापन ना रहे। ये हमारा बेसन जो है इसमें ब्राउन ब्राउन कलर होने लग गया है वाइट से, और ये हमारा बेसन रेडी हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी किसी थाली वगैरह में। है मैंने बेसन, इसमें मैं डालूँगी कोरिएंडर और ये डालूँगी मैं धनिया। धनिया भी डाल रही हूँ उसमें और साथ में मैं डालूँगी अपना गरम मसाला और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्सी में। ये गरम मसाला है और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्सी में टॉस ग्राइंड। ये मैंने पीस ली हैं अपने मसाले अच्छे से और मैंने कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर और इसमें डालेंगे अब हम अपनी तड़का। तेल हो गया है गरम, अब हम डाल देंगे इसमें अपना प्याज। और अपना मिर्च वाला पेस्ट। ये अब हम अपने तड़के में डालेंगे हल्दी, नमक टेस्ट अनुसार और इसको कर लेंगे अच्छे से सॉटे ताकि जो हमारा प्याज है उससे उसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें डाल दूंगी मैं भिंडी अपनी भिंडी को जो है आराम आराम से हिलाएंगे ताकि अगर ज़्यादा हिलाएंगे इसको फटाफट हिलाएंगे तो ये जो है लार छोड़ने लग जाती है। तो अगर लार छोड़ने लग जाती है तो ये हमारी भिंडी जो है चिपचिपी बनने लग जाती है। तो इसको बड़े प्यार से आराम आराम से हिलाएंगे और इसको लगा देंगे अब हम ढक्कन। अब हम इसमें डाल देंगे अपना भुना हुआ मसाला।
इसी तरीके से अपना सारा मसाला बेसन वाला डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और मैं आपको बताऊं, ये देखिए मेरे सारे भिंडी में किस तरीके से चिपक गया है बेसन और बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर जो है रेडी हमारी भिंडी रेडी हो गई है। और 5 मिनट पकने के बाद हमारी भिंडी रेडी हो गई है। ये जो है हमारी क्रिस्पी भिंडी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं हर एक भिंडी में किस तरह से मसाला है, बिल्कुल हर एक भिंडी में बहुत अच्छे से मसाला गया हुआ है, सारी भिंडियों में मसाला गया हुआ है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बेसन वाली स्मेल आ रही है बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा बन के तैयार है। और चिपचिपी ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनती है हमारी भिंडी जो है, भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनती। व्यूअर्स, मैं जा रही हूँ अभी ड्यूटी और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ ड्यूटी के लिए जाने के लिए। थोड़ा सा लेट क्योंकि मैं हेयर स्टाइल बना रही थी अपना। और चलो चलते हैं ड्यूटी पे। ये स्ट्रीट डॉग बैठे हैं, मेरी चपातियाँ बच जाती है तो मैं स्ट्रीट डॉग को डाल देती हूँ। बाय बाय। नाम रखा है मैंने देव सेना और इसका नाम रखा है बाहुबली। बाहुबली खाओ खाओ, लग रहा है इनके पेट जो है ना भरे हुए हैं, तब नहीं खा रही है कुछ। खाएंगे अभी, थोड़ी देर बाद खाएंगे, अभी इनको सुस्ती पर डली हुई है। ये स्ट्रीट डॉग्स हैं, एक नाम मैंने देव सेना रखा है, दूसरे का बाहुबली। व्यूअर्स, मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट चाट। उसके लिए मैंने ले लिया है एक सेब, 2 अमरूद, 1 टमाटर, 1 प्याज, 1 नींबू और मेरा पिसा हुआ नमक। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से फ्रूट चाट बनानी है। अपने जो फ्रूट हैं उन सबको अच्छे से पीसेस में काट लेंगे, सारे के सारे फ्रूट्स को। नमक और मुझे इंस्ट्रक्शन मिल गई है कि नमक थोड़ा डालना है। और ये हमारा नींबू, और कोई नहीं, काफी है। इसको कर लेंगे मिक्स। मैं करती हूँ इस तरीके से मिक्स, ये प्लेट का ढक्कन लगाया और
मिक्स, हमारा फ्रूट, हमारा सेब, हमारा टमाटर, हमारा प्याज, हमारा नमक और हमारा नींबू अच्छे से मिक्स हो गया। और ये है मेरा फ्रूट सैलेड। आपको कैसे लगी मेरी फ्रूट सैलेड की रेसिपी? प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बताएं। तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स। कैसा है फ्रूट सैलेड? नाइस नाइस। यश कैसा है? मस्त, वेरी वेरी नाइस।